मास्टर टेम्पल जो कि बहुत ही यूनिक टेम्पल है, और इसका इन्फॉर्मेशन मैं पूरा वीडियो में दूंगी। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है जो आपको वीडियो में पता चलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे प्रीवियस वीडियोज़ भी देखना। और वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हाँ, और चलिए हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और अभी हम जा रहे हैं, ऑन द वे है, जाके वहाँ पे पूरा बताएंगे आपको मंदिर कैसी है क्या नहीं, वहाँ की क्या स्पेशलिटी एंड ऑल। अभी तो सुबह सुबह जा रहे हैं हम, टाइमिंग्स शाम को भी ओपन होती है, तो हम तो सुबह जाना ही प्रिफर करते हैं हर जगह, तो जा रहे हैं, चलो चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर में आपको एक तरफ रेणुका अल्लमा माता और दूसरी तरफ अर्धनारीश्वर भगवान दर्शन देंगे। और यहाँ की स्पेशलिटी मैंने कहा था ना कि एक ही मूर्ति में आपको एक साइड पे शिव जी और दूसरी साइड पे माता पार्वती दर्शन देंगे, तो इसीलिए ये फीचर यूनिक बनाता है इस टेम्पल को। और यहाँ सिर्फ हैदराबाद में एक ही जगह ऐसा देखने को मिलता है, और ये मंदिर हाईटेक सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन कराते हैं अभी। यहाँ पे आपको माता के चरण दिखाई देंगे, और अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। దానికి ఒక పక్క విభూతి ఒక పక్క అందం పెట్టి అర్ధనారీశ్వరుడికి మనం చూసుకుంటాం అనమాట. చాలా వరకు కూడా ఏకశిలారూపంలో ఉన్న దేవాలయం అయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదనమాట. అదే ఏకశిలారూపంలో ఉండేటువంటి శివుడి దేవాలయం అప్పుడే ఉందన్నమాట. సో పూజలు అర్చనలు జరుగుతూనే ఉంటాయా? ఎత్తిపోయిన పొద్దున సాయంత్రం కూడా ఎత్తి పూజలు ఉంటాయి, సాయంకాలం ప్రదోషకాల పూజలు ఉంటాయి, సోమవారం నాడు శుక్రవారం అమ్మవారికి అభిషేకం ఉంటుంది, అయ్యవారికి అభిషేకం ఉంటుంది. అదే రకంగా సోమవారం సాయంత్రం సోమవారికి ఇచ్చేటువంటి రుద్ర నమ్మక జపక పారాయణం ఉంటుంది. అదే విశేషంగా శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం వచ్చి సోమవారి లలిత నామ కుమార్చి ఉంటుంది, అర్ధనారీ స్వస్థమైన రుద్రనామ పూజ కూడా ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల కూడా శంకరాగతికి హోమం ఉంటుంది సాయంత్రం 6 గంటలకి, గణపతి హోమం ఉంటుంది, మౌనికేమో రుద్ర హోమం ఉంటుంది సాయంత్రం 6 గంటలకి, అమ్మవారి రోజు నాడే దుర్గా హోమం ఉంటుంది 6 గంటలకి. ఇదే దేవ ఈ దేవాలయ పూజలు సాయంత్రం ప్రదర్శకాల సమయంలో చేస్తారు, అది 6 గంటల నుంచి 7 గంటలకు జరుగుతారు.
అమ్మవారి పేరు వచ్చేసి హేమరాంబ రేణుకాయల అమ్మవారు. ఈ అమ్మవారు పరమేశ్వరుని యొక్క కూతురుగా చెప్పుకోవచ్చు. అమ్మవారిని గ్రామదేవతగా కూడా పిలుస్తారు. ఈ అమ్మవారికి ఈ దేవాలయంలో ప్రతి మంగళవారం కూడా అభిషేక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ అమ్మవారి యొక్క భర్త పేరు జమదగ్ని మహర్షి. ఈ అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం వచ్చేసి మనకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆషాఢ మాసంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి అర్ధనారీశ్వర స్వామి దేవాలయం అనేది ఉంది. ఆ పార్వతి పరమేశ్వరుల యొక్క కళ్యాణం కూడా మహాశివరాత్రి పర్వదినమున జరుపుకుంటారు. రేణుకా ఎల్లమ్మ మాతాకే మందిర్కే సామ్నే ఆప్కో నాగ్ దేవతా భీ దర్శన్ దేంగే. और फ्रेंड्स, इस मंदिर को जिसने बनाया है अभी वो लोग आपको इस मंदिर की विशेषता बताएंगे. ये जो डाइटी है अंदर मूर्ति, वो हम लोग तमिलनाडु महाबलीपुर से लाए हैं, वहीं पे बनवाया था. और इसका विशेषता बहुत ज़्यादा है. बस ये 9 दिन में ये मूर्ति को बना के दिया हुआ है. शिवालय में गए तो खाली शिव जी की अकेले का पूजा होता है. बाजुक में फिर माता का मंदिर रहता है, उधर में माता का अकेले का पूजा होता है. कहां भी आज तक भी ये सृष्टि में कि उन दोनों को एक जगह मिला के एक जगह किधर भी पूजा नहीं होता है. जो हमारे को माँ ने आदेश दिया है ये मंदिर में वो दोनों को मिला के एक जगह रह के पूजा करने के लिए ये आदेश है. मैं और सभी लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ, क्या बोले तो वो लोग को अलग करके कोई पूजा नहीं करना. क्यों बोले तो वो लोग को एक जगह करके पूजा करे तो बहुत अच्छा है. मतलब ये है कि जो सर बोले हैं ये आदिशक्ति का स्वरूप है. ये आदिशक्ति का स्वरूप क्यों माना जाता बोले तो हमारे ये सृष्टि के माता पिता वही है. जब दो शक्ति अतीत शक्ति साथ में होते हैं वो शक्ति आदि पराशक्ति होती है. इसीलिए वो नाम से सर ने आपको बताया है आदि पराशक्ति बोलते हैं. जैसे हमारे लिए माता पिता, हमें घर, ये सब जैसा है, ये सृष्टि तो उनका है. ये सृष्टि उनका बनाया हुआ है, हम सब उनके बच्चे हैं. डोनेशंस भी नहीं लिया, सिंगल पेंडी किसी के पास से हमने नहीं लिया. ये सब जो भी इसका प्लेस है और मंदिर जो बनाया है हमारे खुद के पैसे से बनाया है. खुद के पैसे से बोलने का मतलब ये है कि ये भी हमारा अहंकार होता है कि खुद का बोलता है. ये माता जी ने हमको दिया है, बस उनके सेवा के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं. वी आर अ मीडिएटर टू देम एंड देयर मनी, दैट्स इट. उसके सिवा और कुछ नहीं है. यहाँ तो हम लोग किसी के पास से 1 रुपए नहीं लेते. जो भी है सब लोग इक्वल है, बड़े होने दो छोटे होने दो. यहाँ हमारे यहाँ और ये टेम्पल में जो लोग आते हैं कि कोई VIP आए तो उनको स्पेशल दर्शन रहेगा, या छोटे लोगों को कुछ बाद में प्रायोरिटी देता है, ऐसा कुछ नहीं. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. और मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.